हेलो फ्रेंड्स, दिस इज राहुल। वेलकम बैक टू कैट स्टाइलर सीएनसी प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करेंगे फुल पॉकेट कटिंग की, और जिसको हमने डेप्थ में कट किया हुआ है, ठीक है। सो लास्ट वीडियो हमने इसके ऊपर बनाई थी, हमने 100x100 का ब्लॉक कट किया था, वो भी साइड से, जिसमें हमने 30 mm की डेप्थ कट की थी यूजिंग सब प्रोग्रामिंग M98 और M99। सो जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन में आपको इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, उस वीडियो को देख सकते हैं कि हम सब प्रोग्रामिंग में किस तरह से डीप कटिंग कर सकते हैं और सब प्रोग्रामिंग को किस तरह से यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो आज भी हम यहाँ पे सब प्रोग्रामिंग की हेल्प से ही इसकी डीप कटिंग करेंगे। तो आइए देखते हैं इसका प्रोग्राम किस तरह से बनाना है। सबसे पहले यहाँ पे डायमेंशन देख लेते हैं। ब्लॉक हमारे पास 150x150 का, और हमारे पास जो स्लॉट कटिंग करनी है हमने, उसका डाया हमारे पास है 80 का। टूल डाया हम यहाँ पे 20 का लेके चलेंगे। हमने जो डीप कटिंग करनी है वो कितनी करनी है, 25 mm की डेप्थ बनानी है, ठीक है। तो हमने लास्ट जो प्रोग्राम बनाया था वो 30 mm का डीप कटिंग की थी, बट यहाँ पे हम 25 की कटिंग करेंगे। तो देखते हैं हम इवन कटिंग को किस तरह से कर सकते हैं और ऑड कटिंग हम किस तरह से कर सकते हैं। जो 25 है वो आपके पास ऑड नंबर आ रहा है, तो ऑड नंबर की कटिंग हम किस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका प्रोग्राम बनाते हैं। देखिए, इसका जो फुल पॉकेट कटिंग का जो प्रोग्राम था उसके ऊपर वीडियो में ऑलरेडी बना चुका हूँ, तो उस वीडियो का भी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं कि हम इस फुल पॉकेट को किस तरह से काट सकते हैं, ठीक है। इसका प्रोग्राम किस तरह से बना सकते हैं, उसमें हमने सिर्फ 2 mm की कटिंग दी थी, यहाँ पे हम 25 mm की कटिंग करेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं किस तरह से इसका प्रोग्राम बनेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने फुल पॉकेट कटिंग का ऑलरेडी प्रोग्राम बनाया हुआ था, उसमें हमने ये डायमेंशंस ली थी। तो यहाँ पे भी हम सेम डायमेंशंस लेके चलेंगे और उसकी जो पोजीशन आएगी वो सेम ही आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोग्राम नेम क्या रहेगा, 00020, और उसके साथ ही आपके पास G17, G21, G19, 94, 55, T01, M06 टूल को कॉल कर लेंगे, स्पिंडल की RPM आ जाएंगे और G0X-30Y0 इसकी पोजीशन आ जाएगी। और जिनको ये पोजीशन नहीं समझ आ रही है, प्लीज वो वीडियो देख लीजिएगा, आपको पोजीशन समझ आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, अब G0 मैंने लास्ट वीडियो में क्या किया था, Z2 किया था, बट हम यहाँ पे क्या करेंगे, अभी Z1 करेंगे। अब हम टचिंग भी नहीं देंगे, यहाँ पे हमने टचिंग नहीं देनी है, हमने क्या करना है, 1 से ही कटिंग करनी स्टार्ट कर देनी है, ठीक है। तो अब इसके बाद क्या करेंगे, M98 को कॉल कर लेंगे, सब प्रोग्राम को कॉल कर लेंगे, O00 0021 सब प्रोग्राम बना लेते हैं। और सब प्रोग्राम के साथ हमने क्या किया, यहाँ पे कॉल नहीं किया, तो हम कॉल कितना करेंगे अभी, देखिए अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, 25 mm की कटिंग करनी है मुझे, तो मैं उसको कितने टाइम्स कॉल करूंगा, मैं उसको 13 टाइम्स कॉल करूंगा। तो और डेप्थ ऑफ कट कितना दूंगा, 2 mm का, तो 13 × 2 कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा, बट उसको मैं 1 mm ऊपर से काट रहा हूँ, ठीक है ना। ये कोई इस कंसेप्ट को समझना, मैं 1 mm ऊपर से काट रहा हूँ, और वो डेप्थ कितनी कटिंग करेगा, 25 की करेगा अल्टीमेटली, ठीक है, क्योंकि मैं 0 से कटिंग नहीं कर रहा अभी, मैं 1 mm ऊपर से कटिंग कर रहा हूँ। तो 13 कट दूंगा तो इक्वल कट रहेंगे, डेप्थ ऑफ कट कितना रहेगा, 2 mm का, तो 13 × 2 26 रहेगा, बट 1 mm ऊपर से काट रहा हूँ तो 1 mm लेस हो जाएगा, तो 26 में से 1 माइनस करेंगे, 25, अल्टीमेटली 25 डेप्थ आपकी बन जाएगी, ठीक है। तो M98 इसको मैं 30 टाइम्स रिपीट करूंगा, और 0021 आपका प्रोग्राम बनेगा, सब प्रोग्राम, ठीक है। और इसी के साथ M05, Z100, M09 और M30 ये प्रोग्राम बन जाएगा। सब प्रोग्राम क्या बनेगा, ध्यान से देखना, O0021 आ जाएगा, ठीक है। और इसके साथ आपको पता है G91 में मैं Z-2 करूंगा, डेप्थ ऑफ कट में G91 में दूंगा, और इसका रीजन मैंने आपको पिछली वीडियो में बता रखा है, उस वीडियो को प्लीज देख लीजिएगा। G91 Z-2 फिर 200 हो जाएगा, M08 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद आपको जो कटिंग देनी है वो यहाँ पे G90 में देनी है, ठीक है। सो आपको पता है मैंने फुल पॉकेट जो है वो G2 और G3 से भी कटिंग करके दिखाई है, और INJ से भी करके दिखाई है। सो डिपेंड्स ऑन आप क्या यूज करना चाहते हैं, G2, G3 या फिर INJ। तो मुझे लगता है कि INJ इज मोर सफिशियंट देन G2 और G3, ठीक है, क्योंकि G2 और G3 में प्रोग्राम थोड़ा लंबा बन जाता है, 2 कट देने पड़ते हैं, I में सिंगल कट से ही आपका स्लॉट जो है वो कट हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, G90 G3 में कटिंग करेंगे, ठीक है, और X के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, -30, Y0 हो जाएंगे, I के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, सॉरी I क्या होगा, 30 हो जाएगा, ठीक है, J0 हो जाएगा,
ठीक है। और जिनको ये चीज नहीं समझ आ रही है, प्लीज ये पिछली वीडियोस देख लेना, उसमें से आपको इस कॉन्सेप्ट का समझ आ जाएगा कि मैं ये यहाँ पे क्यों लिख रहा हूँ, I30 मैंने यहाँ पे क्यों लिखा है और J0 यहाँ पे क्यों लिखा है। ठीक है, इसके बाद अगेन G1 में जाएंगे। G1 में एक्स मेरा कितना जाएगा, -20, क्योंकि 10 mm रिड्यूस कर लेंगे, अंदर चले जाएंगे, वाई अगेन 0 हो जाएगा। ठीक है, और G90 में ही कटिंग करेंगे, अगेन G3 करेंगे, और एक्स में क्या हो जाएगा, -20, वाई 0, आई अगेन 20 हो जाएगा, जे 0 हो जाएगा। ठीक है, अगेन G1, एक्स -10 हो जाएगा, वाई 0 हो जाएगा, और अगेन G3 करेंगे, एक्स कितना हो जाएगा, -10, वाई 0, आई 10 हो जाएगा, जे 0 हो जाएगा। और यहां से हम क्या करेंगे, वापिस भी करेंगे, G1, एक्स कितना हो जाएगा, -30, वाई 0। अब यहां पे हमने इस कॉन्सेप्ट को यूज करना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना, ये मैं क्या कर रहा हूँ, यहां तक इसने फुल पॉकेट कटिंग कर दी, उसके बाद मैं इसको वापस लेके आ रहा हूँ, क्योंकि जब ये फुल पॉकेट अंदर तक कटिंग कर देगा तो उसको वापस यहीं से दोबारा कटिंग करनी है, तो इसलिए मैंने इस पोजिशन को दोबारा दिया है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। इसके बाद M99 हमारा जो सब प्रोग्राम है वो यहाँ पे एंड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये सब प्रोग्राम रहा और ये हमारा मेन प्रोग्राम रहा। ठीक है, तो आइए इसको सिमुलेट करके देखते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर किस तरह से ये प्रोग्राम कट करके हमें देगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए मैंने ऑलरेडी प्रोग्राम बना रखा है, तो मैं यहाँ पे प्रोग्राम लिखूंगा नहीं दोबारा। जिनको ये नहीं पता है कि प्रोग्राम किस तरह से लिखना है और इस सॉफ्टवेयर की सेटिंग किस तरह से होगी, मेरी पुरानी वीडियोस आप जरूर देखिएगा, उसमें मैंने डीपली एक्सप्लेन कर रखा है, और वेरी फर्स्ट वीडियो और वेरी सेकंड वीडियो में भी मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है ये पूरा का पूरा जो सॉफ्टवेयर है वो किस तरह से यूज करना है और टाइप किस तरह से करना है, और बाकी जो जितने भी कीबोर्ड्स हैं इसको किस तरह से यूज करना है, ये मोड की किस तरह से यूज करनी है, इमरजेंसी और प्रोटेक्शन की किस तरह से यूज करनी है, वर्क पीस स्टॉक साइज किस तरह से लेना है, मशीन में टूल किस तरह से ऐड करना है, और जो सेटिंग है ऑफसेट की वो किस तरह से लेनी है आपने। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिर्फ स्ट्रोक को हम रिप्लेस कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, XYZ, और सिंपल हम प्रोग्राम को यहाँ पे रन करके देखेंगे, पर उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, देखिए ये मेरा मेन प्रोग्राम है, 17, 20, 90, 94, 55, T0106, स्पिंडल के RPM आगे, G0, X-30, Y0, Z2, ठीक है, सॉरी यहाँ पे हम क्या करेंगे, Z-1 करेंगे, सॉरी Z1 करेंगे, तो इसको हम यहाँ से रिप्लेस कर देते हैं, और जो मेरा जो प्रोग्राम है उसको हम कितने टाइम्स रिपीट करेंगे, T 13 टाइम्स रिपीट करेंगे, और 0032 मैंने यहाँ पे प्रोग्राम बना रखा है। ठीक है, तो इसको रिप्लेस कर देंगे, यहाँ से 13 टाइम्स रिपीट कर रहा हूँ, और यहाँ से हम क्या कर रहे हैं इसको, सॉरी यहाँ पे ये भी गलती हो गई है, इसको आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, इसको भी डिलीट कर सकते हैं, और इसको आप रिप्लेस कर सकते हैं P13 0032, यहाँ से आपका ये ऑल्टर हो जाएगा, और इस तरह से ये भी ब्लॉक आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो G0 Z100, ठीक है, और M05 M09 M30, ये आपका मेन प्रोग्राम बन गया, और O0032 इस प्रोग्राम को भी देख लेते हैं, G91 G1 Z-2 P200M08, G90 में मैंने G3 में कटिंग दे रखी है, G1 में, और आप देख सकते हो G1 में एंड में मैंने क्या किया है, यहाँ पे X-30 Y0। ठीक है, ये वाला जो ब्लॉक आपको जरूर ऐड करना है, ताकि वो दोबारा से स्टार्टिंग से जहां से मैंने पोजीशन दी थी वहीं से कटिंग करना दोबारा स्टार्ट करे। ठीक है, अगर आप इस ब्लॉक को नहीं रखोगे तो ये आगे आगे रिपीट करता जाएगा, कहीं और ही प्रोग्राम कट कर देगा ये। ठीक है, तो ये वाला ब्लॉक आपका मेन है, यहाँ पे ये आना जरूरी है, M99 मैंने प्रोग्राम एंड कर दिया, तो इसको हम रन करके देखते हैं किस तरह से ये कटिंग करेगा। तो इसका पाथ आप चेक कर सकते हो, यहां से स्टार्ट हो रहा है, इसको हम कट करके देखेंगे अभी। तो यहां पे आप देख सकते हैं सिंगल कट अभी जा रहा है, और उसके बाद ये देखिए दोबारा वापिस आ रहा है। ठीक है, वहीं से, और इस पोजीशन का सबसे ज्यादा ख्याल रखना अपने G1 X-30 Y0 का, अगर आपने ये नहीं दी तो ये कहीं और से कटिंग करेगा दोबारा।
तो यहाँ पे मैंने फ्रेंड्स आपको पहले भी बताया था कि ये जो आपके पास ज़िगज़ैग की पॉइंट्स आ रहे हैं, जो भी आपको लग रहा है कि यहाँ अभी ये सही कटिंग नहीं कर रहा है, ये सिर्फ सॉफ्टवेयर का इशू है, इसमें ग्राफिक्स इतने ज़्यादा अच्छे नहीं है। बट ये सिर्फ किसके लिए कि आपका प्रोग्राम रन होना चाहिए, तो ये आपको एग्जैक्ट प्रोग्राम रन करके दिखा रहा है कि किस तरह से आपकी कटिंग होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपने इस चीज का बिल्कुल भी तो इस चीज की आपने बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है कि ये आपका जिगजैग जो भी आ रहे हैं ग्राफिक्स का जो भी मतलब ओके फ्रेंड्स, तो इसने हमारे को पूरा पॉकेट कट करके दे दिया है और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 स्टेप्स इसके कंप्लीट हो चुके हैं। तो इस तरह से आपका ये प्रोग्राम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसकी प्रैक्टिस कीजिए, कीप ऑन टच। काफी अच्छी अच्छी वीडियोज आगे आने वाली है। मल्टी टूल को किस तरह से यूज करके हम प्रोग्राम बना सकते हैं। अभी तक तो हमने सिंगल टूल करके प्रोग्राम बनाया है, आगे के जो प्रोग्राम्स आएंगे उसमें 1 से 2 3 4 ऐसे टूल्स यूज होंगे। फिर आपके कॉम्पनसेशन जो है, टूल की कॉम्पनसेशन, लेंथ की कॉम्पनसेशन, डाया कॉम्पनसेशन, इस तरह के प्रोग्राम्स भी आएंगे, उसको किस तरह से आप यूज करके प्रोग्राम्स बना सकते हो। तो कॉम्पनसेशन आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, वो आपको मैं आगे आगे बताता रहूंगा किस तरह से आप कॉम्पोजिशन यूज करके अपने प्रोग्राम्स को बना सकते हैं। सो फ्रेंड्स, कीप ऑन टच, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए। काफी अच्छे प्रोग्राम्स बन रहे हैं, काफी डीप में प्रोग्राम सिखा रहा हूँ मैं। सो कीप ऑन टच, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।